गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ड्रग स्टोर में जो कल रात की आग लगी, अभी भी हमारे जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी लोग हैं अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रग स्टोर है, अगर ये मेरे आप हाथ में देखेंगे तो ये सभी जो 5 मिलीमीटर की सिरिंज होती है, ये वो स्टोर है जो यहाँ पर काफ़ी सारी ये जो सिरिंज पड़ी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो आपको जब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एक सिरिंज तक भी एक जो मरीज है उनको नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे स्टोर पूरा भरा हुआ है इन सिरिंजों से। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की माने तो उनके पास तो एक सिरिंज भी नहीं होती है आम मरीज को देने के लिए। दवाइयाँ तो दूर की बात है, ये एक 5 ml की जो सिरिंज है वो भी एक मरीज को नहीं मिल पाती, जो यहाँ पर आज आग के चलते पूरी की पूरी जलकर राख हो गई। अब बड़ी बात यह है कि जब इस चीज़ के पीछे इंक्वायरी हो तो एक चीज़ का और ध्यान दिया जाए कि जब भी ये इंक्वायरी होगी तो उसके अंदर ये भी कहा जाएगा कि इतने लाखों की दवाइयाँ और इतने लाखों का जो सामान है वो जल के राख हो गया। अगर इतने लाखों की जो मेडिसन्स है इन ड्रग स्टोर्स में पड़ी हैं तो वो मेडिसन्स हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को मुफ्त में क्यों नहीं दी जाती, क्यों मेडिसन्स जो है लोगों को बाहर आना पड़ता है लेने के लिए। ये बड़े सवाल हैं जो जब भी इंक्वायरी हो तो उसके अंदर ज़रूर उठने चाहिए। गवर्नर साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हो या उनके एडवाइज़र, तो कृपया करके इन सब चीज़ों का भी इंक्वायरी के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आम जो मरीज़ है आम लोगों को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलें। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली कैमरामैन अशोक श्रोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।